नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। ब्राजील में ग्रीस के राजदूत किरियाकोस अम्ब्रिदिस की हत्या के आरोप में बीवी गिरफ्तार। प्रेमी के साथ मिलकर रचा था षड्यंत्र, पत्नी ने हत्या की बात कबूली। आतंकी मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने की राह में चीन ने फिर अटकाया रोड़ा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 15 देशों में से अकेले चीन ने प्रस्ताव का किया विरोध, भारत ने जताई चिंता। नए साल के मौके पर भारत में हो सकता है आतंकी हमला। इजराइल के आतंकरोधी निदेशालय ने जारी की चेतावनी, इजरायली सैलानियों को सतर्कता बरतने की दी नसीहत। सीरिया के मोसुल शहर में जारी है आईसिस की बर्बरता। इराकी सेना पर कर रहा है कार बमों से हमला, सेना ने कई कार बमों को किया ध्वस्त। और संयुक्त राष्ट्र में बान की मून को दी गई विदाई। पिछले 10 वर्षों से महासचिव के पद पर थे बान की मून। विदाई समारोह में यूएन से जुड़े मामलों पर मेहनत जारी रखने के लिए किया प्रोत्साहित। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।